हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी हयात तय्यबा औरतों के लिए मीनारा नूर है। आपके अंदर अगर इसार का जज्बा देखें तो उसकी मिसाल नहीं मिलती, सखावत का जज्बा देखें तो उसकी मिसाल नहीं मिलती। एक एक लाख दिरहम आपकी बारगाह में आते हैं, आप अपनी जगह से उस वक्त तक उठती नहीं जब तक वो सारे के सारे अल्लाह की राह में खैरात नहीं कर देती, दामन झाड़ के उठ जाती। रोजा रखा होता है, 70,000 दिरहम कोई आकर दे जाता है, आप बैठती हैं, तकसीम करती जाती हैं, लोगों को बुलवाती जाती हैं, बुलवाती जाती हैं, जब खत्म हो जाते हैं तो कनीज अर्ज करती हैं कि हजरत आपको आपने कुछ ख्याल रखा होता कि आप रोजे से हैं और घर में कोई भी चीज इफ्तारी के लिए नहीं है, तो आगे बेनियाजी का जवाब सुनिए। आप फरमाती हैं कि ये बात पहले मुझे याद करवाई होती, आज हम भी तो रोजे रख रहे हैं, हम अपने अपने रोजे का जायजा लें और सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के इस एक जुमले का जायजा लें। कितने वक्त में आप खैरात करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, कहाँ है आपकी जात, कहाँ है आपकी हस्ती, जिसका कोई ख्याल तक भी नहीं, जो याद तक नहीं आई, और फिर ये भी एहसास तक नहीं आया कि मेरा रोजा है और घर में उसकी जरूरत होगी तो कोई जरूरत के मुताबिक ही कुछ बचा लिया होता। नहीं, जो लज्जत रब की बारगाह में देने में आ रही थी वो अपने ऊपर खर्च करने में तो आ ही नहीं सकती, अगर इसको समझ लिया जाए और महसूस कर लिया जाए। तो मैंने अर्ज किया था कि हम आपके इल्मी मकाम को और इल्मी खिदमात को खास तौर पे पेश नजर रखेंगे और इसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो आपका जो इल्मी मकाम था, अल्लाह तबारक तआला ने जो आपको शान अता फरमाई थी, उसको मैं और आप कैसे बयान कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे अल्फाज कहाँ हैं और इतना वक्त कहाँ है कि जो जिंदगी रब्बे जुल जलाल ने आपको अता फरमाई और जो शान अता फरमाई, और फिर जो मैंने अर्ज किया था कि हम ये समझेंगे कि आपके साथ अल्लाह तबारक तआला ने आपका निकाह जो करवाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजियत में दिया, इसके अंदर एक बहुत बड़ी हिकमत ये थी कि आप बिल्कुल नौ उम्र थी, उम्र के उस हिस्से में थी जिस वक्त इंसान का जहन बिल्कुल फ्रेश होता है, यादाश्त बहुत आला होती है, कारकर्दगी बहुत कमाल की होती है, और फिर आप तो फितरी तौर पर बहुत जहीन, बहुत फतीन, बहुत जीरक थी, बहुत हाजिर दिमाग और हाजिर जवाब थी, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि आपने अपने घोड़े को जस्टिफाई करने के लिए एकदम से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम ले दिया। तो इसी तरह आपके इल्म हासिल करने की रफ्तार थी और आपका जो मिजाज था और आपकी जो पिकअप थी और जो चीजों को समझना था और जो उसको दीन को समझना था वो ऐसा कमाल दर्जे का था कि कोई खातून आपके मकाम तक पहुंच नहीं सकी। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुजू शत्र दीनकुम अनिल हुमैरा, कि लोगों अपने दीन का आधा हिस्सा या आधे से भी ज्यादा हुमैरा से सीखो। आपने तमाम रावियाने हदीस, तमाम सहाबा में हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की हैं। 2,210 अहादीस हजरत आयशा सिद्दीका ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की। तो फिर वो मसाइल, फिक्र के मसाइल, शरीयत के मसाइल, खवातीन के मसाइल, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाके पेश करते हुए, खवातीन को तो बहुत हया आती थी, वो सीख नहीं सकती थी, और ये बात दुरुस्त है, आज भी दुरुस्त है कि जो मर्द एक मर्द को समझा सकता है वो मसाइल जो उसके पर्सनल मसाइल हैं, अगर इस दिवाजी मसाइल हैं तो, या अपनी कोई अंदरूनी बीमारियां, मसाइल, परेशानियां हैं उनके मुतल्लक, वो औरत नहीं समझा सकती। और इसी तरह जो औरत औरत को समझा सकती है, कई चीजों में हया आड़े आती है तो खुलकर समझाया नहीं जा सकता। तो अल्लाह तबारक तआला की कितनी बड़ी हिकमत थी कि आप की जोजियत में उस खातून को पेश किया गया कि वो आपसे दीन सीखे, और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तेजी से और इतने कम अरसे में जितना कुछ हजरत आयशा सिद्दीका को सिखा दिया, उसको सुनिए कि हजरत उर्वा रवायत करते हैं कि قال ما رأيت احدا من الناس
कि मैंने तमाम दुनिया के लोगों में और जितने लोगों का तज़किरा इल्म फ़ज़ल में होता है उनमें से किसी एक को नहीं देखा कि आलमु बिल कुरान, जो कुरान को ज्यादा जानता हो, वला बि फ़रीज़तिन, और ना फ़राइज़ के उलूम को, वला बि हलालिन, और ना हलाल व हराम के उलूम को, वला बि शेरिन, और ना शेर व शायरी के उलूम को, वला बि हदीस अरबी, और अरब की जो तारीख है उसके मुतल्लक, वला बि नसबिन, और ना नसब के उलूम को, मिन आयशा, हजरत सैयदा आयशा से। यानी कोई शख्स आलिम व फाजिल किसी मकाम पे हो, आप फरमाते हैं कि मैंने किसी को हजरत आयशा सिद्दीका से इन तमाम फनून और उलूम में बढ़कर नहीं देखा। इतना मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आयशा सिद्दीका को अता किया था।